चांदनी देखो चांदनी चांदनी ये वाली चांदनी बोलते बेटे ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंट का मतलब गहने जैसे जिसमें फूल अच्छे होते हैं वो वाले इसके बाद ये गुलाब आ गया। आप लोग का काम है नाम नोट कर रहे हो ना घर पे जाके इनका साइंटिफिक नेम ढूंढना ठीक है लंबे पैर करके आ जाओ हाँ जी मैम इसका साइंटिफिक नाम है मिलिया जर्टिका इसके बाद आगे ये पपीता आप उधर लाइन में हो जाओ सारे बच्चे लाइन में चलते जाओ आगे भी चलते जाओ तोड़ दोगे आप पैर संभाल के बेटे फिसलना नहीं किसी ने भी इधर आ जाओ ऊपर से घूम के आ जाओ इसके बाद आगे आ गया सैतूत चलो आगे चलो आगे चलते रहो आगे चलो शाबाश सैतूत ये रहा बेटे ये बड़े बड़े वाले देखा होगा आपने सैतूत हाँ सभी ने खाए हैं सैतूत हाथ तो ऊपर कर बताओ किसने खाए हैं शाबाश ये बड़े पत्तों वाला है छोटे पत्तों नीम होगी बड़े पत्तों वाला हरड़ होगी ना ये हरड़ हो गया ठीक है हरड़ हरड़ यूकेलिप्टस सफेदा यूकेलिप्टस आगे आजो बेटे आजो आगे इतना बड़ा होता है इसका जूस बनाने में काम पथरी के इलाज के लिए काम होता है ना 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 ये तो वो है बेल पत्थर बड़ा होता है ये पत्थर से गिरते हैं गोल गोल बड़े बड़े नहीं देखे हैं बेलुआ बेल पत्थर जूस मिलता है ऑरेंज कलर का होता है कोई नहीं पिलाएंगे कभी पियोगे नहीं पियोगे नहीं ये बेल पत्थर का जूस और टीक को क्या बोलते हिंदी में टीक कचनार आते हैं दस टीक का और सेडेंटरी है छायादार पेड़ है पत्ते की शेप वही रहेगी जिसमें देखो आप उसी शेप के पत्ते रहते हैं इसके बकैन और इसमें अंतर होता है इनमें कौन सी बर्मा डेक और ये दो वैरायटी की है जी अच्छा नहीं बकैन को ही बोलते कचनार क्या नहीं 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 कचनार वो है जी अच्छा आगे वाली है ठीक 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 मैं सोच ये तो मुझे देख सी लग रही ना चलो जी चलो आगे चलो चलते रहो बेटे आगे चलते रहो शाबाश यही तो कचनार है छायादार पेड़ है जी इसको महाराष्ट्र में बोलते हैं सोना ट्री हाँ ये पत्ते होते हैं टीचर्स डे पे बच्चे इस पे नाम लिख के देते हैं सोना ट्री महाराष्ट्र में बोलते हैं चलो आगे वही आगे बिल्लो आ गई है और ये आकाश नीम जिसको पीला तुन बोलते हैं हाँ आकाश नीम और पीला तुन नीम
पीला और गुलाबी दो प्रकार के होते हैं। ये अपना कौन सा गुलाबी है ना जी? हाँ जी गुलाबी तून है ये, गुलाबी आकाश नीम गुलाबी तून। उसके बाद वो विल्लो आ गई आपको पहले दिखाई थी, उधर वो सिस्टम आ गई। ये विल्लो आ गई ना, फिर से पीछे देख के आए थे हम लोग। हाँ और थैली में जो आप पौधे लगाते हैं इसका एक तो सीड से लगता है जिस बीज से, और एक स्टैंपिंग होती है जिसमें स्टैंप लगाई जाती है कलम में। ये पौधे हैं कलम वाले हैं, ये बीज के हैं। इसमें इसकी ये तो देख कटिंग होती है पौधे की, और ये कलम में लगाई जाती है फरवरी माह में। जैसे अपना गुलाब है वो भी कलम से लगता है। गुलाब हो गया, उधर ऑर्नामेंटल जितने भी प्लांट थे वो चांदनी गुडल। चलो आगे चलते रहो, बहुत आगे तक जाना है। चलो बेटा आगे चलो। इसके बाद ये पपीता आ गया। हाँ एक साइड इधर चलते रहो ना। रजनी लाइन चलो बेटा, लाइन में रह करो बच्चों। क्या नाम सर इसका? लसूड़ा। लसूड़ा लसूड़ा खाया होगा आपने? अच्छा अच्छा ठीक 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 इसको इसको लबेड़े भी बोलते हैं एक भाषा में, लबेड़े। इसको चिपकाने इसका गम भी यूज करते हैं। इनका साइंटिफिक नेम ढूंढने वाला काम आपका बहुत मुश्किल है, मजा आएगा। हाँ जी याद नहीं रहते। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है, ध्यान रखना। एक ही लड़की है सिमरन। मेरे को एक याद है धान को और राजा सतावन, चावल को बोलते ना और राजा सतावन। चलो ये पहाड़ी पापड़ी आ गई। बेल पत्थर का जूस किस काम आता है पता है? लपट नहीं लगती, धूप लपट से बचने सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जूस पियो धूप में काम करते रहो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। किसके लिए यूज होता है जी? लपट से बचने के लिए, धूप लपट से बचने के लिए इसका जूस पीते हैं। जैसे आम का जमीन में चले जाते हैं, उनको बाहर निकाल के जड़ काटी जाती है, फिर दोबारा शिफ्ट करके फिर प्लांटेशन में काम आते हैं। मतलब छोटे छोटे हैं तो कर लेते हैं। हाँ। और बड़ों की प्लांटेशन के लिए फिर वो जो सिस्टम अपनाया गया है वो निकाल के एक बार दोबारा रखना पड़ता है पानी में। अच्छा पानी में जड़ें क्रॉस कर जाती है। हाँ इनको निकाल के थैली जड़ काट के वापसी रख के पानी दे के फिर ठीक हरा भरा हो जाएगा ना, दोबारा चल जाएगा तब शुरू करेंगे फील्ड में। ठीक 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 वो बेटा शायद अमरूद है। अर्जुन है, अर्जुन अर्जुन नाम लिख लो। बैडा और आंवला।
चलो अब वापसी। अर्जुन का क्या फल होता है, क्या होता है? खाल, सिर्फ खाल होती है। अच्छा, वो छाल को हम कैसे मतलब कि पीस के, अच्छा काढ़ा बना के, शुगर के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए भी ठीक होता है, हार्ट के लिए भी। चलो बिल्कुल। नर्सरी का काम क्या होता है? पौधे बनाना, उनको बेचना। ये सरकारी है, इनका रेट कम होगा और इतना होता है। सारे नहीं होंगे बेटे, कुछ होंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें से शहतूत हो गया, अर्जुन का पेड़ हो गया, पीपल हो गया। चले रहो सर, चले गए बहुत आगे, चलो रो, चलो रो। अपना क्या नाम है? मेरा नाम लालचंद है। लालचंद, अच्छा कितने साल हो गए काम करते हैं यहाँ पे? मेरे को हो गई 24 साल। अच्छा, मतलब पौधों से बिल्कुल जुड़े पड़े हुए हैं। हाँ जी, हाथीफल छायादार वृक्ष, गुलाबी सा लगता है, लाल और गुलाबी। बादामी पापड़ी, काली पापड़ी, इन्हें खाद को तो नहीं डालते हो कोई? खाद भी डालनी पड़ती है जी, डीएपी, यूरिया और वो सारी कुछ वाली भी खाद है, वो से सेल्ट करना पड़ता है। काफी कम जगह में बहुत अच्छी बना रखी है। अभी तो वो उधर वाली साइड खाली रहेगी नहीं तो। अच्छा, उस साइड भी है क्या बड़ा? इतनी है जी। अर्जुन ये डेढ़ थोड़ी सी गैस पर कचनार कचनार, इसको क्या बोलते हैं जी? अर्जुन ये, अरे ये तो जामुन का पेड़ है। चल, जामुन एक ही जैसे सारे शिफ्टिंग किया हुआ बैठा। अच्छा, इसको प्लांटेशन कर सकते हैं, थोड़ा टाइम क्यों मुरझाया हुआ है, इसी वजह से इसकी जड़ें क्रॉस करके जमीन में चली जाती है, फिर इसको जमीन से हटा के जड़ें काट के दोबारा यहाँ रख के इसको पानी दे के अब इसको प्लांटेशन में कर सकते हैं, इसको फील्ड में ले जाके प्लांटेशन कर सकते हैं। मतलब प्लांटेशन यूं नहीं कि उखाड़ा और लगाया, ऐसा तो नहीं होगा? पहले पहले उठा के फिर जड़ें साफ करके, बाद लगभग 15 दिन बाद अभी भी मुरझाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसको उठा के जड़ें काट के दोबारा रखें, अब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और हरा भरा दोबारा हो जाएगा। इसका क्या नाम बताया सर? शहतूत है। शहतूत, चलो बेटे चलो आगे। चलो मैरीगोल्ड देख लिया सभी ने? मैरीगोल्ड देखा किसी ने? मैरीगोल्ड का पौधा देखा किसी ने? सभी ने देखा है। चलो मैरीगोल्ड, गेंदा, ये भी वो आगे है। हाँ जी, ये अंगूर की बेल है पीछे, देखो सारे सारे, ये देखो कितने पके हुए, एक भी नहीं है, सारे कच्चे हैं, खाना नहीं है। मैडम ये देखिए ना, देखिए अंगूर दिखाऊंगा मैं। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। चलो देखो सर कुछ लिखवा, देखो कुछ लिखवा रहे हैं। ऐसी आप भी खेती कर सकते हो, जरूरी इतनी बड़ी जगह चाहिए, घर के अंदर भी हो ना, ऐसी छोटी छोटी क्यारी से खोद के अलग अलग तरीके के पौधे बना के मतलब लेके इनसे ही ले जाओ, यहाँ से आके लगाओ, केयर करनी जरूरी होती है। यहाँ ये ऑन ड्यूटी होते हैं केयर के लिए, वहाँ खुद की जिम्मेवारी बननी होती है। ऐसा क्या नाम है? बोटल ब्रश। अच्छा, हाँ मैं छोटे 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 देखे हैं, तुम्हें अच्छे अच्छे ब्रश दिखते हैं, बड़े में तो ये क्या जी? बोटल ब्रश, अगला सीरस। सीरस, चलते रहो, शाबाश। आ जाओ बहुत बैठ लिए। बोटल ब्रश,
बादाम का है क्या? कदम 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 के फल देखें कैसे होते हैं, लाल रंग के ऐसे जैसे बाल निकले होते हैं, ऐसे उलट के होते हैं, पीले रंग के अमरूद जैसे पर अमरूद नहीं। ये कदम दोबारा पूछ लेना सर, ये क्या है? इसे कदम बोलते हैं, कदम का पौधा है, पेड़ बनता है बहुत बड़ा। ये वहाँ था याद करो, हाँ जी था, क्या नाम आपने नोट किया होगा? बड़े ये बड़े बड़े पत्ते, नहीं पत्ते इतने बड़े होते हैं, इसमें फल लगता है आप लोग देखा होगा, पीले रंग का बाल बाल से होते हैं सारे बाहर, दिखाऊंगा मेरे दोस्त के पास लगे हुए हैं, तोड़ के लाऊंगा। चलो आगे आगे चलो आगे जल्दी जल्दी चलो। हो गया सिल्वर रॉक, उतरो चलो फटाफट। जामुन जामुन था आगे। पूछो इनकी खाल, ये अर्जुन है? हाँ जी बिल्कुल, शुगर के लिए, शुगर सुहांजना, इसकी छियां खाई जाती हैं अचार के रूप में, हाँ जी। और बड़ी हो जाए तो सब्जियां ही बनती हैं। सुहांजना, हाँ